मैंने बोला <laughs> okay, मुझे hey आज की वीडियो होम बाइंग सीरीज की लास्ट वीडियो है एटलीस्ट फॉर नाउ इसके बाद वील गेट बैक टू नॉर्मल लाइफ जिसमें लास्ट कुछ बहुत इलाबोरेट बनाई थी ऑन आर एक्सपीरियंस ऑफ कंस्ट्रक्शन अब इसका ये मतलब नहीं है कि ये प्रोसेस इजी है एंड इट हैज नो रिस्क

कोई भी जॉब इतनी सिक्योर नहीं है स्पेशली आज की डेट में जब कोविड चल रहा है अब हमारे केस में भी ऐसा ही हुआ था वीर सिमरल लॉस जॉब इन डिसेंबर बट हमारे केस में वी वर एबल टू स्टिल बुक दी हाउस बिकॉज वी हैड कलेक्टेडी फोर थाउजेंड डॉलर बिफोर सिमरल लॉस जॉब सो द मैसेज इज डोंट टेक द मेसेज है आप दो तीन महीने में ट्वेंटी थर्टी थाउजेंड डॉलर बचा लोगे कंस्ट्रक्शन तभी बुक करो जब आपके पास पूरी डिपॉजिट हो ऑन द डे यू साइन इफ यू आर नॉट एबल टू कलेक्ट दिस डिपॉजिट, तो जो आपने इनिशियल डिपॉजिट करा होगा टेन थाउजेंड का ऑन द डे ऑफ साइनिंग वो तो जाएगा ही

ट करेगी तो जो भी वो खरीद रहा है उसको इनिशियल डिपोजिट था इन आर केस प्लस जो भी अप्रिसिएशन हुआ होगा वो दोनों चीजें आपको कैश में देना पड़ेगा एंड दैट इज वेरी डिफिकल्ट वो चीज सो फॉर एग्जांपल इन टूर्स आर हाउस प्राइस इंक्रीजेस फ्रॉम सिक्स हंड्रेड थर्टी फाइव थाउजेंड टू सेवन हंड्रेड थाउजेंड सो दू उसको हमारा इनिशियल डिपोजिट

नाउलेट स्टॉक अबाउट द रिस्क रिलेटेड टू योर बिल्डर इसमें सबसे ऊपर आता है हिडेड कॉस्ट अब हमने जो घर लिया है उसके अलावा हमने एक घर केम्ब्रिज में भी देखा था जिसका साइज ऑलमोस्ट सेम था बट इट वॉज वो सिक्स हंड्रेड थाउजेंड डॉलर

The countertops are all quads, and there are a lot of more upgrades in the house which were not there in the previous one. That would be a big tip that we would want to give you. Take into account the price of these upgrades when you are booking a pre construction. Second problem related to the builder is the quality of build. अब हमने ये घर खरीदा है ऑन अ पीस ऑफ पेपर बिकॉज हमारे पास सिर्फ प्लान था एंड हमने मॉडल होम जो देखा था मॉडल होम में ऑब्वियसली जो बिल्डर होता है वो अपना बेस्ट मटेरियल लगाता है सो वी बेसिकली डोंट नो हाउ द फाइनल हाउस विल लुक लाइक एंड ये रिस्क कम करने का सबसे अच्छा तरीका इज टू गो विद अ रेनाउंड बिल्डर जिसका ट्रैक रिकॉर्ड अच्छा हो जो हमने घर लिया है वो इस बिल्डर का थर्ड फेज है एंड फर्स्ट फेज में भी लोग रह रहे हैं एंड अच्छे रिव्यूज हैं वैसे किशनर से पहले ये बिल्डर ने सिमिलर होम्स मिल्टन में भी बनाए थे जहां पे भी बहुत अच्छे रिव्यूज एंड ट्रैक रिकॉर्ड उनका अच्छा है तो ये रिस्क आप पूरी तरह तो खत्म नहीं कर सकते बट बिल्डर का अगर ट्रैक रिकॉर्ड अच्छा है तो ये रिस्क रिस्क थोड़ा कम हो जाता है थर्ड रिलेटेड टू बिल्डर इन प्री कंस्ट्रक्शन कंस्ट्रक्शन इज अब जैसे हमारी पोजिशन इज इन जनवरी ट्वेंटी बट विदाउट पेनल्टी बिल्डर जो है वो तीन बार डेट आगे बढ़ा सकता है एंड द डिले कैन बी एज मच एज वन ईयर जिसका मतलब है कि आपको वन ईयर का और रेंट देना पड़ेगा ऊपर से आपकी जो प्लानिंग है वो सारी खेल जाती है इन डिलेज़ की वजह से हमारा तो नुकसान होगा ही बट बिल्डर का ज्यादा नुकसान होगा बिकॉज़ ही इज़ लूज़िंग अ लॉट ऑफ टाइम एंड मनी इन लेबर कॉस्ट एंड एवरी डे उसकी कॉस्ट बढ़ती जाती है तो उन्हें ज्यादा जल्दी होती है हमें पोजेशन देने की एंड दिस रिस्क कैन आल्सो बी मिटिगेटेड बाय रिसर्च अब हमने जब इस बिल्डर से घर लिया उससे पहले हमने रिसर्च करी जिसके अंदर भी टॉक टू पीपल हु एक्चुअली बॉट फ्रॉम दीज बिल्डर एंड दे सेट कि उनको एक या दो महीने के डिले पे घर मिल गया था तो जितना पुराना बिल्डर होगा और जितना स्टेब्लिश्ड होगा उतने ही डिले के चांसेस कम होंगे बट द बेस्ट थिंग इज टू बी प्रिपेयर फॉर दीज डिलेज and to rent out a little more and to be honest हमें इतनी कोई जल्दी नहीं है as long as we get the house in 2023 and उसका reason है कि we feel renting is hassle free for us now and उसके ऊपर delay अगर हो जाए तो we'll get some more time to collect the down payment but the problem is when these delays convert into something more which brings us to the fourth builder related risk in pre-construction which is cancellation of the project now this is not very common but होने को कुछ भी हो सकता है builder के पास पैसे खत्म हो गए covid आ गया या फिर market crash कर गई बट इस केस में जो आपकी डिपॉजिट है दैट इज इंश्योर्ड एंड आपको ये वापस मिल जाएगी बट नुकसान ये है कि आप दो साल तक रेंट भी दे रहे थे ये सोच के कि घर की पोजेशन मिलेगी ऊपर से दो साल बाद घरों के प्राइस इंक्रीज टू से फॉर हाउस तो आपको सेम घर ज्यादा पैसों में खरीदना पड़ेगा अब ये वाला रिस्क इज नॉट वेरी कॉमन बट इस रिस्क को रिड्यूस करने के लिए अगेन हम बार बार रिपीट कर रहे हैं गो फॉर एन स्टैब्लिडर एंड जिनका थर्टी टू फोर्टी का रिकॉर्ड है and they have passed the test of time. Now, finally, let's talk about the risk related to the economy. जिसमें सबसे पहले आता है the possible real estate crash. बहुत लोग बहुत time से बोल रहे हैं ये चीज and we think that might also happen. But what if it does not? अब ये वाला risk actually impacts resale as well as pre-construction. अब ये वाली चीज हमने पिछली video में भी discuss करा था the market might crash, but we still bought the property. because of one thing which is immigration अगले तीन साल में देर बी 1.2 मिलियन इमिग्रेंट्स बाई फोर हंड्रेड थाउजेंड प्रॉपर्टीज इन फाइव इसका मतलब यह है कि 15 से 20 परसेंट का अप्रीसिएशन होगा इन द डिमांड ऑफ हाउसेस इन द नेक्स्ट फाइव अब इस सब में अगर रियल एस्टेट क्रैश कर भी गई अगले दो साल में तो बिकॉज ऑफ इमिग्रेशन इट माइट बाउंस बैक एंड इफ यू आर बाइंग नाउ यू शुड बाय लॉन्ग टर्म अब हमने घर खरीदा है वी आर लाइकली टू लिव देयर फॉर फाइव इयर्स एंड तब तक मार्केट इज वेरी वेरी लाइकली टू बाउंस बैक

रीसेल में दिस सो मच बिडिंग हैपनिंग की जो सिक्स हंड्रेड थाउजेंड का घर है वो सेवन हंड्रेड सेवन फिफ्टी थाउजेंड का जा रहा है एंड वील एंड अपवर पेइंग फॉर दैट हाउस एंड अगर मार्केट क्रैश करती है तो इट विल वेरी डिफिकल्ट टू रिकूब दैट लॉस अब प्री कंस्ट्रक्शन में भी बिल्डर्स मार्केट का फायदा उठा रहे हैं बट दट फायदा इज अबाउट थर्टी फोर्टी थाउजेंड यूर पे इन दिस मार्केट एज कम्पेयर टू रीसेल जहां टू हंड्रेड फिफ्टी थाउजेंडा बिकॉज ऑफ विडिंग एंड द लास्ट रिस्क रिलोमी इज इंटरेस्ट रेट आज के डेट में सम बैंक इंटरेस्ट रेट एज लो एजन टू वन पॉइंट थ्री परसेंट तो अगर आप रीसेल प्रॉपर्टी के लिए जाओ तो यू कैन लॉक दिस इंटरेस्ट रेट फॉर द नेक्स्ट फाइव इट क्योंकि जो की ट्वेंटी ट्वेंटी थ्री में क्लोज होगा तो इंटरेस्ट रेट हो सकता है तब तक बढ़ जाए

जो मंथली ज होगी वो बनेगी बनेगीस्ट फाइव अब बैंक ऑफ कैनडा ने तो बोला है कि कीप इंटरेस्ट रेट एट दिस बट क्या पता होता है ऑल वी कैन होप इज डोंट इंक्रीज इट लॉट एंड आर एबल टू क्लोज द हाउस ऑन लोअर रेट ज्जेक्टिव ऑफ दिसर यू बट टू गिव यू द रिस्क आर एसोसिएटेड विदेशन अब हमने अपनी पहली गए और प्री कंस्ट्रक्शन के लिए गए सो डू चेक दैट वीडियो आउट दैट ऑल वी हैवर टूडे अगर वीडियो बढ़िया लगी हो तो डू शेयर विद यली टू बाई अउस इन द नियर फ्यूचर मिलते हैं अगली वीडियो में तब तक के लिए बाय बाय